आओ सानिया। थैंक यू सो मच सानिया। सानिया तुम नहीं जानती यहां मेरे साथ आकर तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बहुत जरूरत थी मुझे तुम्हारी, तुम्हारे प्यार की। आई ओके सानिया? एनी प्रॉब्लम? नो नो एट ऑल। तुम साथ हो तो क्या प्रॉब्लम पीयूष? सानिया हमारा ये साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटेगा। क्यों छूटेगा? ओह सानिया आई लव यू सो मच। आज की ये शाम हमारे प्यार के नाम, हमारे बीच और कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं तुम और तन्हाई। वी विल सेलिब्रेट नाइट। मैं सारे अरेंजमेंट्स करके आता हूं, बस अभी आया। चालाक बनने की कोशिश करते हुए अच्छे नहीं लगते तुम पीयूष। मैं जानती हूँ आज की रात तुम मुझे पाना नहीं चाहते बल्कि मेरी असलियत जानना चाहते हो, मगर अफसोस तुम जो चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा पीयूष, कभी भी नहीं। क्या तुमने कोई फैसला किया? मैं तुम्हारे और पीयूष के डिवोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। पीयूष और सानिया के बीच में इतना कुछ हो जाने के बावजूद किस उम्मीद में हो तुम, किस आस में हो तुम? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी सोच क्या है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो रिश्ता दिल से टूट जाता है उसे कागज पर भी तोड़ देना चाहिए। पीयूष और सानिया, बस करो सुजल, बस करो। मुझे इसके बारे में और कोई भी बात नहीं करनी है। मैं पीयूष को डिवोर्स दूंगी, नहीं दूंगी, कब दूंगी, ये मेरा निजी मामला है। इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तकलीफ का मेरे आंसुओं से वास्ता है, तुम्हारी मुस्कान का मेरी खुशी से वास्ता है, तुम्हारे एहसास को मेरे वजूद से वास्ता है, तुम्हारे अतीत का मेरी सारी जिंदगी से वास्ता है। और तुम कहती हो मेरा तुमसे वास्ता ना होता तो मैं जिंदा किस वास्ते होता कशिश? हेलो, व्हाट? क्या? हेलो हेलो सुजल, हमें इसी वक्त होराइजन होटल जाना होगा। लेकिन क्यों? ये तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। प्लीज सुजल, मुझे वहां जल्दी ले चलो। Cheers. ये जाम हमारे प्यार के नाम। Cheers. वैसे सानिया आप, तुमने अपने घर के बारे में नहीं बताया, कौन कौन है तुम्हारे घर में? बताया तो था, मॉम एंड डैड अब नहीं रहे। I'm sorry, मुझे ध्यान में नहीं रहा। That's okay. सानिया हमारी पहली मुलाकात बैंगलोर में हुई थी ना? तब मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। वैसे तुम ओरिजिनली कहां से हो? बैंगलोर से। तो फिर यहां पर कैसे? आई मीन अकेले रहने में? अकेले रहने की शुरू से आदत है मुझे। लेकिन अब तुम्हें यह आदत बदलनी होगी क्योंकि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
बहुत प्यार करती हूँ ना मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की चांद भी ले सकता हूँ। रियली आई मीन इट। एक नमूना पेश करूँ? कैसा लगा मेरा नमूना सानिया? पीयूष क्या कर रहे हो तुम? बंद करो अपना नाटक सानिया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। यू जस्ट टेल मी द ट्रुथ, क्यों किया तुमने ऐसा? सच क्या है? पीयूष मैं तुमसे प्यार करती हूं। चला सानिया, खबरदार जो झूठ कहा तो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। फिर तुमने क्यों आग लगाई मेरी जिंदगी में? सानिया जवाब दो। सानिया आई वांट एन आंसर। सानिया देखो सानिया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज या तो मैं सच्चाई जानकर जाऊंगा यहां से, या फिर तुम्हें मारकर सजा भुगतने के लिए जाऊंगा। नाउ द चॉइस इज योर्स। सानिया टेल मी द ट्रुथ। मिसेस रहेजा, दिस इज फॉर यू। अपने पति की करतूतें अपनी आंखों से देखना चाहती हो तो रूम नंबर 330 में चली आओ। कशिश जवाब दो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ सानिया, जान दो मुझे। आई नीड एन आंसर। सानिया जवाब दो। के जाल में फंसना जितना आसान है, उसे अपने जाल में फंसाना उतना ही नामुमकिन। सब कुछ वैसा ही हुआ है ना जैसा तुमसे कहा गया था? जी हाँ मैडम, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है। कशिश इस होटल में पहुंच चुकी है और मैंने उसे दूसरे रूम में भेज दिया है। गुड। ओह मैं मालूम है ना आगे क्या करना है? जी हाँ, अच्छी तरह से मालूम। गुड। कशिश बात क्या है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? कशिश मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अरे मेरी अहमियत है या नहीं कुछ? हेलो, अपने रूम की खिड़की के पास जाओ और वहां से ठीक सामने वाले रूम की खिड़की की तरफ देखो। देखो कि वहां तुम्हारा पति सानिया के साथ क्या गुल खिला रहा है। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था कशिश? किसका फोन था? मैं अब तुम्हें जानता हूं अच्छे से। मुझे क्या करना है?
काम हो गया। जल्दी से पीयूष को बेड पे लेटा दो। तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। कशिश, आई एम रियली वेरी सॉरी। पीयूष और मैं आज पहली बार, पीयूष ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे। हम सेलिब्रेट कर रहे थे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पीयूष ने मेरे को ज्यादा ही पी ली थी इसलिए। कशिश तुम, कशिश, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कशिश ये सब इसने, कशिश मैं यहाँ पर इसकी असलियत जानने के लिए आया था। बिलीव मी कशिश, कशिश हमारे बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब इसकी वजह से हैं। शी इज वेरी क्लेवर कशिश, बहुत चालाक लड़की है कशिश, इसने। बस पीयूष बस, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगी, अपनी आंखों पर नहीं? कशिश मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कशिश कैसे पीयूष, कैसे कैसे यकीन दिलाओगे कि आप यहां इस कमरे में सच्चाई जानने आए थे? कैसे यकीन दिलाओगे कि आप इस लड़की से प्यार नहीं बल्कि प्यार का ढोंग कर रहे हैं? कैसे पीयूष, कैसे? नहीं पीयूष, नहीं दिला पाएंगे आप यकीन। और जानते हैं क्यों? क्योंकि यह लड़की वाकई में बहुत चालाक है। हाँ पीयूष, हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए इस लड़की ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पीयूष, हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी हैं। किसी भी हद तक गिर सकती है ये लड़की। कशिश तुम? हाँ पीयूष, आप इस लड़की का जो रूप मुझे दिखाना चाहते थे वो मैं बहुत पहले से जान चुकी थी। पीयूष, मैंने आप पर अपना विश्वास कभी नहीं खोया था। धोखा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। कशिश, पीयूष पीयूष वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है। शट अप सानिया, बहुत सुन ली है तुम्हारी बकवास, लेकिन अब और नहीं। अगर मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही तो इसलिए नहीं कि मेरा पीयूष पर विश्वास डगमगा गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरिए मैं उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसके कहने पर तुमने इतनी घटिया हरकत की है। असली गुनहगार तक पहुंचना चाहती थी मैं सानिया। पीयूष, उस रात जब आप मुझे डिवोर्स पेपर्स देकर चले गए थे तब मैं सानिया के घर गई थी उसे सबक सिखाने, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि आज पीयूष ने कशिश को डिवोर्स पेपर्स दे दी। अब पीयूष और कशिश का रिश्ता टूटा ही समझो। थैंक यू सो मच। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था। बेचारा पीयूष, मैंने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बिना वजह बदनाम भी हो गया और तबाह। How sad. और तब मुझे पता चला कि ये लड़की तो सिर्फ एक मोहरा है, इसे चलाने वाला तो कोई और ही है।
मैंने जानबूझकर इस लड़की को अपनी चाल चलने दी ताकि ये अपनी जीत के धोखे में रहे और मैं असली गुनहगार तक पहुंच सकूं। पीयूष, आई एम सॉरी पीयूष, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन पीयूष मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। चल अंदर, चल चल इधर खड़ो। मैडम ये देखिए, यही वो आदमी जिसे आपने खिड़की के बाहर मैडम सानिया के साथ देखा था। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की है। ले जाइए इसे। ए, चल। पीयूष, मेरे कहने पर पुलिस ने सानिया की हरकतों पर नजर रखी हुई थी और आज मौका भी मिल गया और मुजरिम भी, और इन्होंने मुझे फोन करके यहां पर बुलाया था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया सानिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीधे तरीके से उस इंसान का पता बता दो। कौन है वो गुनहगार सानिया? ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे सच उगलवाएगी। बताओ सानिया, बताओ कौन है वो गुनहगार? देखो सानिया, अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, वादा करती हूं मैं तुमसे। ठीक है, मैं अभी पुलिस को। कशिश प्लीज, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। कशिश, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ। तुम जानना चाहती हो ना वो इंसान? वो इंसान सुजल है। सानिया, कशिश, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।